हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा। 25 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप में, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। और इससे पहले जितनी भी मैंने ऑनलाइन टेस्ट की वीडियोज़ अपलोड की है उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी यानी कि एक्सल बोन नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से सिर्फ आपको ये बताना है राइट आंसर कौन सा है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए, RRB NTPC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कंधे की बोन है वो एक्सल बोन नहीं होती है, अक्षीय हड्डी नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली स्थान एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। इन चारों में से कौन सा एक हड्डी का जोड़ नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर भी थर्ड हो जाएगा, मैक्रो। बाकी तीनों को देखा जाए तो ये हड्डियों के जोड़ हैं, बट तीसरे वाला हड्डियों का जोड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, असंगत को चुने, ये भी देखिए NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन चारों में से एक अलग होगा वो आपको बताना है। तो सभी को पता होगा इसमें हड्डी एक अलग है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जांग में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं। तो ये भी सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, फीमर। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीवा कशेरुक सर्विकल वर्टिब्रेट कहाँ अवस्थित है। ग्रीवा कशेरुक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्विकल वर्टिब्रेट, कहाँ अवस्थित है। तो बिल्कुल सही, 5वें का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गले में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मानव की हड्डी फिबुला पाई जाती है, यानी कि फिबुला जो बोन है वो कौन से पार्ट में पाई जाती है, मानव के कौन से पार्ट में पाई जाती है। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पैरों में, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या है। तो सभी को पता होगा इसका भी राइट आंसर, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किसे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है। तो ये भी NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्स, यानी कि गल्फडे, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमरस हड्डी ह्यूमरस बोन कहाँ होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप भी मतलब एक रेस्पॉन्स देते रहा करें। जैसे मैं आपके लिए डेली टेस्ट लेके आता हूँ और ये तो संडे को भी आपको मिलता है टेस्ट, तो संडे की भी छुट्टी नहीं होती है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा मोटिवेट किया करें। ठीक है ना, 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऊपरी भुजा में होती है ये ह्यूमरस बोन। क्वेश्चन नंबर 10, लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता है। देखिए एक बार पढ़ करके चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको राइट लगता है। तो बिल्कुल सही, 10वें का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना, ये आपका अगर लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं मानव शरीर में नहीं होता है, तो गर्दन का घुमाव और दोनों तरफ मुड़ना ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। तो ये भी सभी को पता होगा,
बिल्कुल सही है आपका, ये राइट आंसर हृदय हो जाएगा, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर, हर्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में वह विकास कौन सा है जिसमें अस्थि पुंज बोन मास में कमी और भुरेपन यानी कि फ्रेजिलिटी में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 12 का राइट आंसर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 12वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है, तो कौन सी धातु है भाई? 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन वन हो जाएगा, तो सभी को पता है बोन के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। 2 मिमी यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एंडोक्राइन ग्रंथि खालिस्तान का स्राव करती है, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन फोर, हार्मोन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर के खाली स्थान में पीयूष ग्रंथि होती है, तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क यानी कि ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन इज द राइट आंसर यानी कि ऑप्शन फोर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, किसी मानव के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है, अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है, तो 18 का देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन टू हो जाएगा, यूरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको कवर कराया था थोड़े दिन पहले ही, जो अब वीडियो अपलोड की थी साइंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य पुरुष का तापमान कितना होता है? तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी कि ऑप्शन टू आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रावण करती है? तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा लेक क्रीमल इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन वन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है भाई? मेलेनिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन आपका टू राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पुतली पिपिल का सॉरी खालिस्तान का हिस्सा है, तो यह आपका सभी को पता है मानव नेत्र, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उपकला ऊतक को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो उपकला ऊतक को खालिस्तान भी कहा जाता है, संरक्षी ऊतक, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24, एक हार्मोन जिसका स्राव केवल स्त्री के शरीर में होता है, तो देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्ट्रोन इज द राइट आंसर यानी कि ऑप्शन टू आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो इंसुलिन का स्राव आपका होता है अग्नाशय से, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थ्री हो जाएगा।
दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी,